जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसके ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या अब रजिस्ट्रेशन होगा BS4 गाड़ियों का या नहीं। तो वीडियो पर बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि आपको जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, देने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। और हाँ, अगर नए हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के डेडिकेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन RTO की आपको फ्यूचर में मिलती रहे मोटर व्हीकल से संबंधित। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। BS4 भारत स्टेज 4 यह एक एमिशन टाइप होता है। ऐसे मानकों की गाड़ियाँ जो है वो इंडिया में टाइम टू टाइम पर आती रहती हैं। जैसे कि इस टाइम पर BS6 या BS6 2.0, या फिर आप उसको BS7 भी बोल रहे हैं, वो चल रही हैं, लेकिन BS4 पुराना हो चुका है। तो इसके तहत जो है, मैंने प्रीवियस में काफ़ी वीडियोस भी बनाई हुई हैं लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ था, कब नहीं हुआ था, क्या वहाँ पर सुनवाई वगैरह हुई, क्या डिसीजन, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं आपने देखा तो प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ क्या अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर बहुत सारे लोग टैग करके पूछते हैं @TechnicalAlokji ट्विटर हैंडल वहाँ पर। तो मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि फ़िलहाल अभी भी इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है BS4 गाड़ियों का, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। बीच में रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था कुछ एक राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन फिर वो बंद कर दिया गया, और अब कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूँ, BS1, BS2, BS3, BS4 तक की जितनी गाड़ियां हैं, ये अगर आपको कहीं पर भी मिले तो इसको अवॉइड करिए, मत लीजिए। अगर आप लेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ऐसी गाड़ियों को हो सके तो एक्सचेंज करवा लें अगर BS4 है, या फिर कहीं पर अगर आपको कोई छूट वगैरह मिल रही है तो आप वहाँ पर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी गाड़ियों को वहाँ पर बदल सकते हैं। या फिर कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने इसको स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत भी यूज़ किया है, क्योंकि नई गाड़ियों को लेने पर आपको कुछ ना कुछ छूट मिलती है अगर आप स्क्रैपेज पॉलिसी का लाभ ले रहे हैं। तो अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर स्क्रैप करवाइए, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके दम पर आपको नई गाड़ी परचेज करने पर छूट मिल रही है। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर भी इसका यूज़ किया है। तो अपनी गाड़ियों को ऐसे आप वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी इसका रजिस्ट्रेशन जो है, फिलहाल आप मान के चलिए कि 99% चांस है अब नहीं होगा। जी हाँ, मैं आपको जो भी है एकदम फैक्ट और सही सही बता रहा हूँ, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, ना ही मैं आपको सांत्वना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन मान के चले कि नहीं होगा। जितने लोगों को हो गया वो लोग भाग्यशाली थे, उन्होंने समय पर अप्लाई किया, हो गया, और रजिस्ट्रेशन उस टाइम पर हो भी रहे थे। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी नहीं हो रहा है, और ना ही इसका सरकार रजिस्ट्रेशन कराने कोई मूड में, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो जजमेंट जब से दे दिया है, तब से इसके ऊपर सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। भले ही इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे वाहन मालिक जो हैं BS4 के हैं, लेकिन अब कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक, ये आपको नोट करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग इस अपडेट से रूबरू हो जाएँ और परेशान ना हो, साथ ही साथ वहाँ पर इसके चक्कर में ना बैठे रहें कि हम आज नहीं तो कल रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और एक चीज़ बता दूं, किसी भी ब्रोकर, दलाल या थर्ड पार्टी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो पैसा भी आपका चला जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है तो वो कहाँ से आपको करवा के देंगे। तो आप वहाँ पर अपने पैसे को सेव करके रखिए, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी देता हूँ यहाँ पर, कि अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस लंबित पेंडिंग नहीं है BS4 गाड़ियों के संबंध में, यानी कि नो केस पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द BS4 व्हीकल रजिस्ट्रेशन। ठीक, फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन जो होता है भारत में, उसने दो बार केस को फाइल किया, बट उसके ऊपर अब कोई भी वहाँ पर जो है पिटीशन फाइल की थी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अब सुनवाई नहीं होने वाली है, और नो रजिस्ट्रेशन हैपनिंग वहाँ पर प्रोसेस लगा दिया गया है, कोई भी रजिस्ट्रेशन अब नहीं किया जा रहा है। BS4, BS3, BS2, BS1 जितनी भी इसके पीछे के हैं, केवल BS6 या BS6 2.0 या BS7 की गाड़ियों का ही पंजीकरण हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर सही से इन्फॉर्मेशन आप दे दी, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर 1% चांस, जो मैं आपको 99% बताया उसमें नहीं होगा, तो 1% इसलिए है क्योंकि
काफ़ी सारे लोग मिल के वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज में अपील की है, अप्लीकेशन दिया है। तो अगर वहाँ पर कुछ संज्ञान में आता है भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय के, तो हो सकता है इसके ऊपर कुछ वहाँ पर खुशखबरी निकल कर आए। लेकिन जब ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रही, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो मोर्थ की तरफ से भी चांस बहुत नेग्लिजिबल है कि वहाँ पर भी आपका कोई सुनवाई वगैरह हो। तो इसलिए मैंने आपको सब कुछ सही सही एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में, ताकि आपको किसी और वीडियो में जाके परेशान ना होना पड़े। तो यहाँ तक वीडियो देखा है, अभी भी आपको अगर कोई डाउट हो इसके संबंध में, तो आप नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछिएगा। और इंस्टाग्राम पर हैं ही @technicalalokji, ट्विटर पर हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर आंसर आपका मिल जाता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़ आती है, मैं आप सभी को अवगत करवाऊंगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो अभी तक के लाइक नहीं करते लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।